दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने बाइक का इंश्योरेंस CSC के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास CSC है तो आप अपने मोबाइल से ही बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। यहाँ पे आप सर्च करेंगे डिजिटल सेवा। डिजिटल सेवा सर्च करते ही यहाँ पे CSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 लाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें आप अपनी CSC ID डाल देंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये आपके सामने आपकी CSC ID खुल जाएगी। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल सकता है और यहाँ पे पूरा आपका डैशबोर्ड भी मिल जाएगा। हमको इंश्योरेंस बनाना है, इसलिए मैं इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मोटर थर्ड पार्टी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। आप जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस बनाना चाहते हैं आप उस कंपनी पे क्लिक करके उसमें जा सकते हैं। जैसा कि बजाज आलियांस का हमें बनाना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और इसको डिजिटल सेवा से लॉगिन कर लेंगे। अब मैं मोबाइल को पट कर लेता हूँ ताकि बड़े में आपको दिखाई दे। यहाँ पे टू व्हीलर थर्ड पार्टी इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाड़ी नंबर आपको दे देना है। TPP कवर हमें नहीं लेना है, इसीलिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे बाइक का मॉडल नंबर आपको देना है। बाइक का मॉडल आपको चूज करना है, जैसा कि ये TVS की है तो यहाँ पे हम TVS आप और बाइक का मॉडल आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट ड्रम ब्रेक पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए हमें यह भी कवर नहीं लेना है, इसे नो कर देंगे। तो अब ये प्राइस 828 रुपये दिखा रहा है, यह सही है। यहाँ पे आप अपना पिन नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे गाड़ी का चेसिस नंबर आपको RC में मिल जाएगा। और इसमें आपको इंजन नंबर डाल देना है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आपको डाल देना है, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस चूज कर लेंगे और यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, आप इसे चूज कर लेंगे और यहाँ से डेट हम ले लेते हैं। यहाँ पे बाइक ओनर, यहाँ पर आपको बाइक के ओनर का नाम लिखना है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, और इसमें ईमेल आईडी आप
और इसमें ईमेल आईडी आपको लिख देना है। और यहाँ पे आप पता पूरा लिख देंगे जो आरसी पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम मऊनाद भंजन लिख देते हैं। और यहाँ पे आप अपनी पोस्ट ऑफिस चूज कर लेंगे। इसके बाद हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज वेट। अब यहाँ से आपको पे कर देना है। आपके सीएससी आईडी में लगभग 1000 रुपया होना चाहिए। जैसा कि ये प्रचार आ गया, हम इसे काट देते हैं। यहाँ पे आपको सीएससी आईडी का पासवर्ड डाल देना है। अब यहाँ से पिन डाल देते हैं। जैसा कि ये पॉलिसी इशू हो चुकी है, इसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। प्रिंट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा बाइक का इंश्योरेंस सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।